हमारी सोच कैसे हमारी खुशी को प्रभावित करती है, इस लेख में हम चर्चा करेंगे कि हमारी सोच और खुशी में क्या संबंध है तथा हमारी सोच कैसे हमारी खुशी को प्रभावित करती है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा व्यवहार, हमारी सोच और हमारी भावनाएं एक दूसरे को प्रभावित करते भी हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते भी हैं। जैसे जब आप गुस्से में हैं, तो आप अगर ध्यान से खुद को नोटिस करें तो पाएंगे कि गुस्से को आपके विचार और भावनाएं बढ़ावा दे रहे हैं। इसके विपरीत जब आप खुश होते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी सोच या विचारों में खुशी है और आप खुशी की भावनाओं को अनुभव कर रहे हैं। इसलिए जो हमारी मूलभूत विचारधाराएं होती हैं, वे हमारे खुद के बारे में, दूसरों के बारे में और हमारे भविष्य के बारे में कैसे हैं, ये हमारे व्यवहार, हमारी सोच और हमारी भावनाओं को प्रभावित करती हैं। अगला पॉइंट आता है कि हमारी जानकारी, जागरूकता या ज्ञान का सोच से क्या संबंध है। आमतौर पर हमारी एक ही मुद्दे पर अलग अलग राय होती है, जो कई कारणों से हो सकती है। उनमें से जो एक मुख्य कारण है वह यह है कि उस विषय पर हमारी जागरूकता, ज्ञान या जानकारी कितनी है। उदाहरण के लिए, धरती घूमती है और इस पर एक वैज्ञानिक का और एक आम आदमी का नजरिया अलग हो सकता है। वैज्ञानिक अपने प्रयोग के द्वारा जानता है कि धरती कैसे घूमती है, जबकि एक आम आदमी धरती घूमने का मतलब चक्कर आना मान सकता है। इसीलिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए आपके पास कुछ कारागर यानी कि लाइफ स्किल्स का ज्ञान या जानकारी होनी चाहिए, जो आपको ऊर्जावान रख सके और आपके कमजोर समय में भावनात्मक परेशानी या दुख के समय में आपके काम आ सके और आपकी जीवन शैली को और अच्छा बना सके। क्यों हम में से कुछ लोगों को ज्यादा चिंता व तनाव होता है और वे ज्यादा नाखुश भी रहते हैं? इसका कारण हो सकता है कि हमारा भावनात्मक पहलू कितना संतुलित और स्थिर है। भावनात्मक पहलू सबका अलग अलग होने के कारण एक ही हालात पे हम भांति भांति के रिस्पॉन्स दे सकते हैं। अगर हम डिप्रेशन का ही उदाहरण ले तो पाएंगे कि जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, आमतौर पर उनका फॉल्टी एट्रिब्यूशन स्टाइल होता है, यानी कि उनका दोषपूर्ण आरोपण शैली का रवैया होता है। सिलेक्टिव परसेप्शन, जीवन के सभी पहलुओं के बजाय ज्यादा नकारात्मक पहलुओं पर केंद्रित और ओवर जनरलाइज रहता है, यानी कि एक दो बार फेल होने को वे सारे जीवन में रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। इसलिए डिप्रेस लोगों में निराशावादी विचार, अवास्तविक उम्मीदें और खुद के लिए आलोचनात्मक रवैया होता है, जिससे उन्हें डिप्रेशन होता है और दोषपूर्ण सोच के कारण ही लगातार ही बना रहता है। कॉग्निटिव थेरेपिस्ट अपनी थेरेपी के दौरान सेशंस में इस बिगड़ी हुई सोच को सुधारने की कोशिश करते हैं, ताकि आप इस सोच के चक्र से बाहर आ सके और एक अनुकूल या नॉर्मल सोच के साथ स्वस्थ हो सके। यह भी माना जाता है कि यू आर योर ओन वर्स्ट एनिमी, या आप अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। पर कैसे? हमारी लाइफ में बहुत सारे नकारात्मक अनुभव हुए होते हैं, जैसे फेल होना, अपमान होना, अनादर होना, झगड़े होना आदि। ऐसी नकारात्मक घटनाओं को जब हम बार बार याद करते हैं या विचारों में लाते हैं, तो हमारे अंदर वही भावनात्मक प्रतिक्रिया वापस से होती है, जो हमारे तन और मन पर नकारात्मक असर डालती है। इस नकारात्मक सोच और भावना के कारण हमारे शरीर में कुछ केमिकल पैदा होते हैं, जो हमारे मानसिक और शारीरिक सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच आपके बस में होती है? एक उदाहरण के तौर पर, एक बार एक आदमी ने अपनी मुट्ठी में एक चिड़िया बंद करके दूसरे आदमी को गलत सिद्ध करने के इरादे से पूछा कि क्या ये चिड़िया जिंदा है। उसका इरादा था कि अगर यह कहेंगे कि जिंदा है तो मुट्ठी को बहुत जोर से बंद करके चिड़िया को मार देंगे, और यदि कहेंगे कि यह जिंदा नहीं है तो वह इस चिड़िया को फिर से उड़ा देंगे, और दोनों ही वाक्यों में वह आदमी गलत सिद्ध होगा। लेकिन इस आदमी का जवाब भी लाजवाब था। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि यह चिड़िया जिंदा है या नहीं, मगर मुझे यह जरूर पता है कि यह आपके हाथ में है। बेशक हमें नहीं पता कि आपकी सोच सही है या नहीं, लेकिन यह जरूर पता है कि यह आपके हाथ में है। आध्यात्मिक ज्ञान से भी हमें यही सीख मिलती है कि अपने अपने दुख व अपने अपने सुख के रचयिता हम खुद हैं। हम अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने अनुभव, अपने ज्ञान आदि भले ही बाहर से इकट्ठा करते हैं, मगर अपने दुख और सुख को हम अपने अंदर खुद ही पैदा करते हैं। आज के लेख से हमने सीखा कि हमारी सोच हमारी भावनाओं को एक दिशा दे रही है,
इसलिए हमें अपने सोच विचार के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए और समय समय पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हमारी सोच सही दिशा में है। जैसा कि विवेकानंद जी ने कहा है कि जैसा हम सोचेंगे वैसे ही बन जाएंगे।